रवैया मानव कल्याण ट्रस्ट, श्री राम बालाजी धाम बाबा नीम करौली आश्रम ट्रस्ट, लाला ओम प्रकाश अग्रवाल मेमोरियल ट्रस्ट एवं श्री रामकथा अमृत महोत्सव समिति के तत्वावधान में बुद्धि विहार में परम पूज्य श्री रमेश भाई ओझा जी की रामकथा में राम जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। कथा व्यास में कथा व्यास जी के द्वारा बताया गया कि प्रभु श्री राम का पृथ्वी पर जन्म का कारण क्या है। जब रावण और राक्षसों के द्वारा धरती पर अत्याचार और पाप बढ़ गया तब सभी साधु संत देवताओं की उपासना करने लगे और देवताओं से प्रार्थना की कि आप इन अत्याचारियों से हमें और पृथ्वी को मुक्त कराएं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि आप हरि से प्रार्थना करें। तब साधु संतों ने कहा कि हरि हमें कहाँ मिलेंगे। रामचरितमानस के अनुसार तब ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान कहाँ नहीं रहते, भगवान हर जगह हैं। आप वहीं से ही भगवान हरि की प्रार्थना करें। तब सभी साधु संत श्री हरि से प्रार्थना करने लगे। फिर श्री हरि ने दर्शन दिए और कहा कि मैं अयोध्या में राम के रूप में जन्म लूंगा और सभी राक्षसों का संहार करूंगा। तब श्री हरि ने अयोध्या में राजा दशरथ के घर जन्म लिया और जब प्रभु श्री राम का जन्म हुआ तब पूरी अयोध्या में सभी लोग खुशी से झूम उठे। जिस प्रकार उस समय अयोध्या में सभी लोग खुशियों से झूम उठे थे, उसी प्रकार आज राम कथा स्थल पर सभी राम भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े होकर झूमने नाचने लगे और बधाइयां देने लगे। लोहिया परिवार की ओर से पुष्प वर्षा की गई। बच्चों के लिए खेल खिलौने टॉफी आदि का वितरण किया गया। ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा भी मनुष्य में अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि जब तक मनुष्य में जागृति नहीं होगी, अपने प्रत्येक कार्य में भक्ति नहीं होगी। महिला को भी घर के कार्यों में भक्ति होनी चाहिए। जब महिला भक्ति से खाना बनाती है तब उससे प्रेम रस आता है। इसी प्रकार रोजगार और नौकरी में जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक वह अपने कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होगी। श्रीमद्भागवत में नारद जी को भगवान का अवतार माना गया है। आरती में विनीत कुमार गुप्ता लोहिया, विभोर कुमार गुप्ता लोहिया, विपिन कुमार गुप्ता लोहिया एवं समस्त लोहिया परिवार एवं राम कथा अमृत महोत्सव समिति के अध्यक्ष महेश चंद्र अग्रवाल, प्रिया अग्रवाल, महामंत्री प्रवीण कुमार, कोषा अध्यक्ष अंकुर अग्रवाल कथा में उपस्थित रहे। श्रीमती अवधेश लोहिया, श्रीमती कुमकुम गुप्ता, नयन तारा गुप्ता, शिखा गुप्ता, भारती गुप्ता, अनुभव लोहिया, अनमोल लोहिया, आकर्षक लोहिया, अनिल कुमार शर्मा, विवेक शर्मा, अजय नारंग, ज्ञानेंद्र शर्मा, राम रतन शर्मा, राजेश सक्सेना, गौरव अग्रवाल, पंकज सक्सेना, विनोद राय, परीश सक्सेना, राकेश गुप्ता, शीलेंद्र प्रकाश गुप्ता, श्याम सुंदर गौड़, सचिन गुप्ता, विनीत गुप्ता, राकेश अग्रवाल, प्रदीप शुक्ला, अजय नारंग, विपिन कुमार, सुमित शर्मा, ज्योति बंसल, शशि अरोड़ा, मीनू मेहलोत्रा, हरि गोपाल शर्मा, केके गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे। श्रद्धा बनती है संतों के संग से, सत्संग के सातत्य से, तब श्रद्धा पैदा होती है। विश्वास तो अजन्मा है, शिव अजन्मा। अनुभव, बहुत थोड़ी तात्विक चर्चा हो जाएगी, लेकिन अनुभव तब होता है जब विश्वास तब होता है जब आदमी को अनुभव हो। जो अनुभूत बात है तो फिर वहां विश्वास स्वाभाविक हो जाता है, फिर मांगने की बात थोड़ी। अरे बड़े खुद हमने अनुभव किया है, ऐसा ही हम लोग कहते हैं ना, जाने बिनु न होई प्रतीति। तुलसीदास जी कहते हैं, जाने बिनु न होई प्रतीति और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। बिना जाने प्रतीति यानी विश्वास नहीं होता, और इसलिए भगवान शंकर कहते हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना। तो अनुभव, ज्ञान, जानना, उससे विश्वास।